व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने किचन राबिया कुकिंग एक्सपर्ट में और आए हैं, आज आपको चाइनीज चावल बनाना सिखाएंगे। अज़ा की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। इसकी अज़ा की तरफ चलते हैं। चावल लिए हमने 1 kg, ऑयल लिए हमने 1 प्याली, चिकन मैंने लिया 1/2 kg, 1 पाव मैंने मटर लिए हैं 250 ग्राम, गाजरें मैंने ली हैं 3 अदद, इसको मैंने काट लिया है, शिमला मिर्च मैंने ली है 3 अदद, उसको भी मैंने काट लिया है, और मैंने एक छोटे साइज की बंद गोभी ली है, प्याज मैंने ली है 1 दरमियाने साइज की, इसको भी मैंने कट कर लिया, क्यूब कट करता है मैंने उसको, हरी प्याज मैंने ली है और इसको इंशाल्लाह हम काट लेंगे, ये हम इसको दम पे डालेंगे इसको। 4 अदद अंडे लिए मैंने, 5 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस है, 5 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ली है, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरके का लिया है, चिली फ्लेक्स मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है, चिकन पाउडर भी मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है, काली मिर्च भी मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है, नमक जो आम घर का रूटीन वाइज जो होता है सॉल्ट, वो मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। चले आए फिर अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं, फिर अब हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे और इसका मकसद इसको ब्राउन करना नहीं है, इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताते जाती हूँ कि ये जो आज चाइनीज चावल बन रहे हैं ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी है और ये जो बाकी चाइनीज चावल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, और इतने मज़े के बनेंगे, इतने मज़े के बनेंगे कि इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखिए मेरा प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें सबसे पहले मटर डालेंगे क्योंकि ये गले में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए हम पहले सबसे पहले इसमें मटर डाल के इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं इसको फ्राई करने के बाद। मटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं काफ़ी, अब हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे क्योंकि शिमला मिर्च और जो बंद गोभी है वो आपको पता बहुत जल्दी गल जाती है और गाजरें और मटर ऐसी चीज़ है कि थोड़ा टाइम लेते हैं, और हम अब थोड़ा सा टाइम इसको देंगे ताकि ये भी गल जाए और फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे कुछ टाइम के बाद फिर मज़ीद, बस अभी थोड़ी देर तक। ये देखिए हमारी गाजरें भी सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा हद तक हो चुकी हैं और अब हम इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल कर देंगे और इसी स्टेज के ऊपर हम इसके साथ ही अपना चिकन भी शामिल करेंगे, हम क्यूब कट जो मैंने इसको काटा था इसके साथ ही शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम सॉसेस को भी और मसाले जात को शामिल कर देंगे। और ये देखें, ये सबसे पहले हमने इसमें सोया सॉस डाल दिया और ये हमारा चिली सॉस, ये हमारा सिरका, ये हमारा नमक, काली मिर्चें, ये हमारी चिली फ्लेक्स। इस स्टेज पे इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है और हर चीज़ के अंदर ये रच बस जाएगा। तो ये देखें, अब हम इसको मिक्स करेंगे और हम अब इसको कवर कर देंगे और आप देखिएगा इतनी मज़े की ये इसमें फ्लेवर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। हर चीज़ जो है ना हमारा, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो चिकन है ना, ये मतलब कि हमारा ये बहुत छोटा क्यूब कट है, इसके बावजूद ये बनने के बाद भी नज़र आएगा, इसलिए मैंने इसको इस स्टेज पे डाला है। चलें फिर हम इसको पकाते हैं मिलके। ज़बरदस्त, ये देखें आप भी मेरे साथ इसकी लुक को देखें, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसमें हर चीज़ का फ्लेवर आला किस्म का है। ये देखें और इसका जो टेक्सचर है कितना खूबसूरत लग रहा है। बस हम इसको अब सिर्फ 5 मिनट का और मज़ीद टाइम देंगे
और फिर इंशाल्लाह ताला आपको बताते हैं आगे कि हमने क्या करना है। अब आपको बताते हैं कि ये मेरी पर्सनल रेसिपी कैसे है। इस केस पे कुछ लोग चावलों को बॉईल करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमने इसको बॉईल नहीं करना। और इस तरह हमने आपकी भी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि पहले आप स्ट्रेन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो चले फिर हम आपको बताते हैं हमने क्या करना है। इसमें हम 1 किलो के हिसाब, चावलों के हिसाब से हम इसमें जो है 2, 3, 4 और ये तकरीबन 4.5 गिलास हमने पानी का डाल दिया इसमें। और अब हम इसको बॉयल आने का वेट करते हैं। ये देखिए हमारे चावलों को बॉयल आ गया है, सॉरी पानी को। और ये अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये देखें अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और जब इसमें एक बॉयल आएगा ना, तो फिर हम आपको बताएंगे कि हमने आगे इसके साथ क्या प्रोसेस करना है। चलें फिर हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। हमारे चावलों को बॉयल आ रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें अंडे डाल दूंगी। कच्चे अंडे हमने इसमें शामिल किए हैं और कुछ टाइम तक इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये देखें ये पक रहे हैं और जब ये पकने के पॉइंट पे आएंगे फिर हम इसको इस तरह से शामिल कर देंगे। ये देखें, ये देखें, ठीक है। अभी फील नहीं होंगे, जब इंशाल्लाह हमारे राइस बन के तैयार हो जाएंगे तो फिर देखेंगे ये कितने ज़बरदस्त ऊपर आएंगे। चले भी इसको हम तकरीबन 2 से 4 मिनट का टाइम फिर से देते हैं, ये जो ऊपर इसके पानी खड़ा हुआ है ये ज़रा सूख जाए। और फिर हम बताते हैं कि दोबारा इसके साथ क्या करना है। हमने ये पानी सारा सूख चुका है, अब हमने इसको दम पे रखना है। और इससे पहले हम इसमें ये हरी प्याज शामिल कर देंगे। और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। और आपने प्लीज़ इसको बनाना है और फिर मुझे बताना है कि आपको मेरी ये पर्सनल रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग बनाएंगे और आपकी भी तारीफ़ होगी। ये बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान और बहुत मज़े की रेसिपी है। चले आए फिर हम अब इसको दम पे रखते हैं। चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 5-7 मिनट के बाद। हमारे ये राइस डन हो चुके हैं और ये चले आए, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत यमी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये। और प्लीज़ आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे, ये मेरी पर्सनल रेसिपी आपको कैसी लगी चाइनीज़ राइस की। और प्लीज़ आप मुझे, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।